कैसे केमिस्ट्री क्लासेस स्टेट मिनट केमिस्ट्री वीडियोस में मैं आज आपको बताने वाली हूँ क्लास 11th का स्पेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रा? एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे टाइप के अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन प्रेजेंट होते हैं। इन रेडिएशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्हीं रेडिएशन को जब हम इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनकी फ्रिक्वेंसी से अरेंज करते हैं तो एकदम प्रॉपर स्पेक्ट्रल लाइन्स हमको मिलती है। इसी लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें देखने को मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे ज्यादा जिसकी होती है वेवलेंथ वो होता है आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव के बाद आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और फिर आ जाता है आपका कॉस्मिक रेज। इसे याद कैसे करें? तो ये एक टास्क आ जाता है हमारे पास कि यार हम इसे याद कैसे करें। तो मैं ना आपको एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ, अगर वो स्टोरी याद हो गया तो आपको ये सीरीज याद हो जाएंगी पूरी रेडिएशन की, ठीक है? तो वो स्टोरी है, एक किसान के पास होता है रेडियो। अब वो जो किसान है वो उस रेडियो हो जाता है खराब, उसको ले जाता है और डाल देता है माइक्रोवेव में। रेडियो था उसके पास, उसको उसने डाल दिया कहाँ? माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में डालते ही वो दिखने लगा एकदम रेड कलर, तो क्या आ गया? इंफ्रारेड। फिर वो दिखने लगा वायलेट कलर, और फिर जब रेड और वायलेट हो गया फिर उसको निकाल दिया बाहर और कराने ले गया एक्सरे। जैसे ही वो एक्सरे कराया रेडियो हो गया ठीक, और उसमें बजने लगा गाना। किसका गाना? करिश्मा कपूर का। तो बस आपको ये चीजें याद हो गई। सबसे पहले क्या था? किसान के पास था रेडियो, रेडियो वेव, उसको उसने किसमें डाला? माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में डालते क्या हो गया? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद अल्ट्रावायलेट कलर, अल्ट्रावायलेट कलर के बाद फिर एक्सरे कर रहे हैं तो एक्सरेज, फिर उसमें गाना बजने लगा गामा रेज। किसका? करिश्मा कपूर का कॉस्मिक रेज। ऐसे करके आपने पूरा फनी वे में इस पूरे सीरीज को याद कर लिया। तो इसे ही कहा जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या सॉरी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि हमारा जो IR है और ये जो अल्ट्रावायलेट है उसके बीच का जो रीजन होता है वो होता है विजिबल रीजन, जो हम देख पाते हैं चीजों में, ठीक है? तो ये होता है विजिबल लाइट या विजिबल रीजन, और यहाँ पे होते हैं इनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर्स, जिसमें आप पढ़ते हो क्या विबग्योर, है ना? जहाँ पे वायलेट कलर जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, जबकि रेड कलर की क्या होता है बेटा? ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा है। यही रीजन है कि जितने भी हमारे पास सिग्नल्स में लाइट लगे होते हैं वो रेड कलर्स के होते हैं। अब रेड कलर्स का क्या है? वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है मतलब वो हमको दूर तक दिख सकता है, समझ रहे हो चीजें? यही रीजन है कि जितने भी खतरे वाली जो चीजें होती है वो सब रेड कलर से बनाया जाता है, जिससे लोग दूर से उस चीज को देख पाए, क्योंकि उनकी वेवलेंथ होती है ज्यादा, वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करके आईज तक पहुंच पाते हैं, हम उसको क्लियर देख पाते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको समझ आ गया। तो वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की ज्यादा होती है, वायलेट कलर की होती है कम, और ये होता है आपका विजिबल रेंज। अगर मैं बात करूं विजिबल रेंज की क्या वैल्यूज है, आप बोलेंगे 4 से लेकर 800 तक का NM में है ये वैल्यूज। 400 से 800 NM तक की जो वैल्यू होती है वो किसका होता है? विजिबल रेंज का। और विजिबल रेंज में सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर्स का, ठीक है? तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पढ़ाया जाता है क्लास 11th में। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।